हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा रॉबर्ट पैटिंसन की अपकमिंग मूवी, डीसी की अपकमिंग मूवी द बैटमैन के बारे में। आज बात करूंगा मैं इसके ऑफिशियली टीजर ट्रेलर के अपडेट के बारे में, बात करूंगा टीजर ट्रेलर की रनिंग टाइमिंग के बारे में, बात करूंगा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हो कि इसकी अभी तो शूटिंग चल रही है, पर टीजर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये कन्फर्म करा है रशियन डबिंग आर्टिस्ट ने, जो कि कमिश्नर गॉर्डन की डबिंग करने वाले हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर यह कंफर्म कर दिया कि बैटमैन का टीजर ट्रेलर मैं ऑफिशियली डब कर रहा हूं, और ये टीजर ट्रेलर ऑफिशियली 30 सेकंड का होने वाला है। जी हां, मात्र 30 सेकंड का। तो मे बी ये एक झलक हो सकती है, और तो उन्होंने ये इमेज डाल के कन्फर्म भी कर दिया, और देन अपने ट्विटर अकाउंट पर भी ये चीज कन्फर्म करी। उसी के साथ उन्होंने ये वाली इमेज भी शेयर करी, और देन गाइज अब हमें शायद मे बी इस मंथ में डीसी के इवेंट में टीजर ट्रेलर देखने को मिल सकता है। तो आप एक्साइट रहिए, और जो भी डेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं कैट वूमेन के बारे में। तो सभी ने तो इसका नाम सुना ही होगा। तो HBO Max ऑफिशियली इसकी टीवी सीरीज पे काम कर रहा है, और कैट वूमेन ऑफिशियली हमें देखने को मिलेगी बैटमैन मूवी में भी। ये आप साहब अच्छी तरीके से जानते हो। तो गाइस मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और अगर ये बैटमैन वाली कैट वूमेन हुई और इसके ऊपर अगर टीवी सीरीज बनी, तो मे बी हमें पूरा यूनिवर्स एक साथ कनेक्ट करके दिखाया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है। उसी के साथ आप बात करते हैं डेयर जॉनसन की तरफ से अपडेट के बारे में। तो फाइनली डीसी का इवेंट होने वाला है, और उन्होंने एक टीजर डाला था जिसमें कि उन्होंने ब्लैक एडम का ऑफिशियली फर्स्ट लुक लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। आप खुद ही देख सकते हो कितना ज्यादा गदर का लग रहा है, और दिन पीछे बड़ा सा बैकग्राउंड। तो मे बी ये शायद सजैम की तरह उस मंदिर में आए और अपनी पावर को लेंगे। इस इवेंट में हमें एक और चीज पता चली, जो कि टीजर के तौर पे लॉन्च करी गई। तो सुसाइड स्क्वाड का ऑफिशियली गेम कंफर्म हो चुका है, जिसमें कि सुपरमैन को सबसे पहले दिखाया गया है, और देन मे बी मुझे लग रहा है कि सुसाइड स्क्वाड की वर्सेस टीम जस्टिस लीग के साथ होने वाली है। तो टीजर के पोस्टर को देख के तो यही लग रहा है। उसी के साथ स्टीफन गुल का भी ऑफिशियली एक नया लुक लॉन्च करा गया है जैक स्नाइडर की तरफ से, जो कि अपकमिंग जस्टिस लीग मूवी के एक बेहतरीन लुक दिखाया जाएगा इसमें। तो बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। अब बात करते हैं स्टार वॉर्स के अपडेट के बारे में। तो मैंडलोरियन का अपडेट काफी ज्यादा आ रहा है कि इसका टीजर ट्रेलर इसी मंथ लॉन्च होगा, और ये टीवी सीरीज अक्टूबर में लॉन्च होगी। उसी के साथ डॉक्टर शेंटू में एक नया कैरेक्टर इन्वॉल्व करा जा रहा है, जिसका नाम है मिस अमेरिका। तो ये कैरेक्टर हमें शायद डॉक्टर शेंटू में देखने को मिल सकता है। उसी के साथ जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया कि गार्डन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 डिले हो गई है, और उन्हें अभी प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं एवेंजर्स एंड गेम की कुछ बिहाइंड द सीन इमेजेस के बारे में। तो आपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ये वाली इमेज तो देखी होगी, साथ ही साथ डिज्नी प्लस ने ऑफिशियली दो इमेजेस और लॉन्च कर दी बिहाइंड द सीन, जो कि एवेंजर्स लोगों के साथ है मार्क रफेलो की, जिसमें कि अपना वो CGI सूट पहने हुए हैं, जिसमें कि मोशन कैप्चर दिया जाता है हल्का। उसी के साथ थॉर एक्टर यानी कि हमारे क्रिस हेम्सवर्थ की एक एवेंजर लोगों के साथ बिहाइंड द सीन इमेज, तो ये काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पर थोर के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।